हेलो भाई, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंट पर। देखो, भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडिया की फुल फॉर्म नहीं पता है। बहुत सारे लोगों का मतलब हुआ 90% लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो जिनको भी इंडिया का फुल फॉर्म नहीं पता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 3 से 4 मिनट की वीडियो है। आप ध्यान से देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, या भारत कब पड़ा, या हिंदुस्तान कब पड़ा। क्योंकि जो 3 फेमस नाम है भारत के, वो हैं भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। जिसमें से जो हमारा भारत और इंडिया है, ये दोनों ऑफिशियली हैं, आधिकारिक तौर पर इनका नाम है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, वो कहा तो जाता है लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान नाम कब पड़ा भारत का, आपको हम बताना चाहेंगे। 2 से 2500 साल पहले भारत में व्यापार करने के लिए अरब और ईरान के लोग आते थे। तो उस समय क्या था कि भारत में सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा माना जाता था। सनातन धर्म यानी कि हिंदू। तो यहां पर हिंदुओं की ज्यादा संख्या होने के कारण लोग इसको हिंदुस्तान कहने लगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब 1947 में जब बंटवारा हुआ तो 2 देश बन गए, एक हिंदुस्तान बन गया और जो हिंदुस्तान से अलग हुआ वो पाकिस्तान बन गया। ये सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब व्यापार करने के लिए अरब और ईरान के लोग आते थे, तो यहां पर सनातन धर्म ज्यादा होने के कारण उन्होंने ही इस देश को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया था। यहां तक क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जो भारत नाम है। भारत नाम सबको पता है, एक राजा हुए थे हमारे देश में भरत करके। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये हमारा पड़ा था भारत देश। ठीक है, अब बात आती है अगली कि भारत को इंडिया कब और क्यों कहा गया। तो आप लोगों को अगर पता हो तो भारत में पहले एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सिंधु। सिंधु रिवर थी जो पहले भारत में थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ उसकी, तो ये जो नदी थी सिंधु नदी, ये पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, सिंधु नदी को हम लोग इंग्लिश में कहते थे इंडस वैली। ठीक है, इंडस कहा गया इसको। अब जो अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेज लोगों को भारत और हिंदुस्तान कहने में उनको बहुत परेशानी होती थी। वो भारत को सही से भारत नहीं कह पाते थे, हिंदुस्तान को सही से हिंदुस्तान नहीं कह पाते थे। इसीलिए उसने क्या किया कि इस इंडस को ही उसने क्या बना लिया, इंडिया बना लिया। क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? अंग्रेजों ने कहा कि इंडस है, तो इंडस से उन्होंने इंडिया बना लिया। ठीक है, इसीलिए उस तब से ही हम लोग भारत को इंडिया कहने लगे। तो भारत के 2 आधिकारिक नाम है, हिंदी में भारत, हिंदी में नाम है उसका भारत, और इंग्लिश में उसका नाम है इंडिया। यही 2 नाम है जो हमको आधिकारिक रूप से पता है। हिंदुस्तान जो है वो ऑफिशियली नहीं है, वो अरब और ईरान के लोगों के द्वारा कहे जाते थे, जो आगे चलकर प्रचलित हो गए और पूरे भारत में कहे जाने लगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। देखो, सभी लोग मेन, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका मेन मतलब यही जानना था कि आखिर में इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इंडिया का फुल फॉर्म बताने से पहले आप एक काम कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें लाते हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, एग्जाम में भले ही ना आए लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो या भारत में रहते हो तो आपको इंडिया की फुल फॉर्म जानना जरूरी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर चुके हो जो लोग, आगे की तरफ वीडियो देखते हैं। देखो, कहने का मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया की आधिकारिक रूप से कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पहले इंडिया की ऑफिशियली कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इंडिया के कुछ फुल फॉर्म अपने हिसाब से रखे हैं। वही चीज हमको याद रखनी है। अगर कोई पूछ ले तो मुझे वही चीज बतानी है जो मैं आपको फुल फॉर्म बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम लेट ना करते हुए आपको ले चलते हैं वहां पर। ये देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फुल फॉर्म है वो है आई से इंडिपेंडेंट, एन से नेशन, डी से डिक्लेयर्ड, आई से इन और ए से अगस्त। ये हमारा है कि इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ठीक है, ये विद्वानों का कहने का मतलब था। और कुछ लोग और जो बैठे हुए थे खाली, उन्होंने कहा कि चलो मैं कुछ और बना देता हूं। तो ये आपका ज्यादा सही है, ये जो है, ये जो फुल फॉर्म मैंने बताया है ये ज्यादा सही है। बाकी एक फुल फॉर्म है जो हम जैसे लोगों ने बनाया है वो उतना सही नहीं है, लेकिन आपको वो भी याद रख लेना है। इसको तो जरूर याद रखना है, ये जो फुल फॉर्म है यही आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोगों ने बनाया है, या ऐसा कहें कि कुछ और विद्वानों ने इसको बनाया है, तो उनके जो कहने का मतलब था आई से इंडिपेंडेंट,
एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंटेलिजेंट और ए से एरिया, यानी इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, ये उन लोगों का था। बाकी जो मेन है आपका वो ये है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। अगर आपको अच्छा लगा ये चीज तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरों को भी, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही आपको हम इंटरेस्टिंग चीज लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अभी अगली वीडियो में। बाय बाय।